क्या आपको पता है कि डोमिनोज ने फोर चीज पिज्जा, पिज्जा ने नए रोल, सब ने लोडेड नाचोस और केएफसी ने नई डेजर्ट्स रिलीज की है? नहीं। आज का प्लान ये है कि इन ब्रांड्स ने जितने भी नए नए पकवान रिलीज किए हैं ना, मैं कोशिश करूंगा सबको रिव्यू करूं, आप लोगों को दिखाऊं और आप लोग देख के मजे लेना। खैर एनीवे, पिज्जा भाई रास्ते में है, निकलने वाला है ओवन से, और जब तक आ रहा है पिज्जा हमारी टेबल पे, तब तक ये आप सिनेमैटिक शॉट्स देखो। Okay, guys, first off is the Pizza Hut, और Pizza Hut ने भाई तीन नई चीज़ें रिलीज की हैं अपनी। Come here. This is the indie roll, यार ये तो मैंने कभी Pizza Hut में पहले देखा नहीं था। And this is Malai Tikka Pizza, और ये है भाई cheesy comfort pasta. अब भाई I'm gonna start with indie roll, यार ये vegetarian और non-vegetarian दोनों में आता है। Check this out. इसके अंदर भाई चिकन है, इसके अंदर ओह बहुत सारा चीज़ है, एंड इसको बस इन्होंने रोल करके ग्रिलर पे रख के आई गेस एंड हमें सर्व कर दिया है। सो चीयर्स। ओह नॉर्मल चीज़ नहीं है यार, इसके अंदर इन्होंने मिंट भी डाला हुआ है। अमेजिंग भाई अमेजिंग, चिकन चीज़ and a lot of mint. What a great combo. यार इतना सारा सामान है जो मैं खुद तो नहीं खा पाऊँगा, बहुत सारी जगह जाना है आज। Okay, this is the chicken malai tikka pizza. यार वैसे honest opinion दूँ, ये मुझे कुछ नया तो इसमें नहीं लग रहा। Chicken है इसके ऊपर, paprika है, cheese है and capsicum है। एक second भाई, एक second. Okay. Now we can dig right into it. Wow. पिज्जा मज़ेदार है बट कुछ नया नहीं लग रहा है इसके अंदर मुझे। और एक बात बताऊँ, पिज्जा हट ने ना यार अपना सीख कबाब क्रस्ट रिलीज किया है। उसका सीन पता क्या है, जैसे क्रस्ट है यहाँ पे वो लोग सीख कबाब डाल के देते हैं, मतलब बड़ा यूनिक सा लग रहा था मुझे बट अवेलेबल नहीं था। तो यार देखो ये पिज्ज़ा अच्छा है बट इसमें कुछ नया नहीं है, तो अगर आप इग्नोर करना चाहो कर दो, आपकी मर्जी। दिस इज द चीज़ी कम्फर्ट पास्ता, और यार इसमें फ़र्क पता है मुझे नॉर्मल पास्ता से क्या लग रहा है कि इसके अंदर इन्होंने चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा डाली हुई है। यार पता है क्या, मुझे लग रहा था कि ऊपर बहुत सारा मोज़रेला चीज़ होगा एंड फिर इन्होंने उसको बेक किया होगा और मैं ऐसे उसके अंदर फोक डालूंगा और ऐसे बहुत सारा चीज़ फुल आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है यार, सेम पास्ता मैंने पहले भी खाया हुआ है। आई रियली कांट मेक आउट व्हाट इज न्यू इन दिस। ओके गाइस, फॉर मी लाइक दिस इज द शो स्टॉपर। ये तो मतलब टेस्ट करना ही करना है आपको, ये बहुत सही है। एंड बाकी इन दोनों को इफ़ यू वॉन्ट यू कैन इग्नोर, बट जनरली वैसे टेस्ट वाइज कोई कमी नहीं है इनमें, बट कुछ नया नहीं है, प्रॉब्लम सारी ये है। अब भाई जितना मैं खा पाऊंगा खाऊंगा, क्योंकि अभी हमें जाना है लोडेड नाचोस खाने। पता है कहाँ पे? गेस करो कहाँ पे लोडेड नाचोस रिलीज हुए हैं। दिस इज डन, दिस इज भी डन, एक स्लाइस बचा है, करा रहा हूँ भाई पैक एंड नाउ ऑन टू द नेक्स्ट स्पॉट। Guys, these are the loaded nachos from Subway. इन्होंने भाई क्या पैकेजिंग दी है इसकी, बुरी हालत हो रखी है। और लोडेड के नाम पे पता है इन्होंने क्या किया है? ओ नाचोस पता है इन्होंने कैसे दिए हैं? जो ऑलरेडी डोरिटोज के पैकेट रखे हुए थे ना, उन्होंने मुझे बोला भाई इनमें से कोई भी फ्लेवर सेलेक्ट कर लो, एंड मैंने बारबेक्यू फ्लेवर लिया और इन्होंने नाचोस का पैकेट खोला, रखे नीचे, इसके ऊपर पिकल डाला, इसके ऊपर इन्होंने ऑलिव्स डाले, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला, भर भर के बारबेक्यू सॉस डाली एंड बेक करके सर्व कर दिया। एंड 130 रुपये फॉर दिस। ओके यार वैसे लोडेड नाचोज में ना
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई चीज़ तो अच्छे से लोड करके डाला होगा, ऊपर मेयो शेयो भी थोड़ी बहुत डाल देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ा बहुत चीज़ है, चीज़ की क्वांटिटी इतनी नज़र आ रही है मुझे। फ्लेवर वाइज नॉट बैड यार, एक तो ये नाचोज ही बारबेक्यू फ्लेवर है और इसके ऊपर इन्होंने सॉस भी बारबेक्यू सॉस डाली हुई है, तो थोड़ा सा ज़्यादा बारबेक्यू हो गया है। और पता नहीं क्यों मुझे नाचोज थोड़े स्पाइसी लग रहे हैं यार, इसको ना इनके ऊपर लेटस डालना चाहिए था, थोड़ा सा चीज़ मेयो डालनी चाहिए थी और थोड़े थोड़े अनियंस डालने चाहिए थे, फिर बेक करना चाहिए था भाई, ये फिर उस चीज़ को कहते हैं लोडेड नाचोज। ये तो इन्होंने बस ज़बरदस्ती नाचोज बना के दे दिए, और 130 रुपए के हिसाब से यार मुझे तो थोड़ी कम लगी क्वांटिटी, मतलब ये मेरा ओपिनियन है। आप लोग चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, बट आई एडवाइस बाबी के फ्लेवर के नाचोस मत लेना, चीज फ्लेवर के यूज करना तो थोड़ा मजा आएगा। गाइस आपको पता है डोमिनोज ने भी नया पिज्जा रिलीज किया है, अभी तो भाई मेरा पेट वैसे बहुत ज्यादा भर गया एंड मैं जा रहा हूँ घर, आराम से घर पे ऑर्डर करूंगा डोमिनोज, फिर दिखाता हूँ आपको डोमिनोज का नया पिज्जा। भाई डोमिनोज ने ना दो नए पिज्जा रिलीज किए हैं, वन इज द 4 चीज पिज्जा, अनदर इज द चीज डोमिनेटर पिज्जा। दिस इज द 4 चीज पिज्जा, भाई साहब पूरी पूरी खमीर रोटी वाइब्स, एंड सपोजिटली भाई इसके अंदर इन्होंने 4 तरीके के चीज डाले हुए हैं, वन इज द मोजरेला चीज, अदर इज द चेडर चीज, चेडर ही बोलते हैं ना, एंड इसके अंदर डाला है इन्होंने क्रीमी चीज, और इसके अंदर इन्होंने डाला है गोस्ट पेपर फ्लेवर चीज। वैसे मैं बता रहा हूँ गोस्ट पेपर फ्लेवर चिप्स मैंने ट्राई किए हुए हैं, आई मीन चिप्स तो नहीं, एक ही चिप खाया था एंड कुछ अच्छी यादें थी मेरी उसके साथ। भाई इसकी स्लाइस चेकआउट करो, पता है क्या पहली बार ऐसा हुआ है डोमिनोज का पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है और एकदम पीछे तक इन्होंने चीज डाल के मुझे दिया है। दिस थिंग इज चीज बर्स्ट इंटू 2, नहीं इट इज चीज बर्स्ट इंटू 3, एकदम ऐसा सीन है। बाइट लेते ही भाई साहब इतना ज्यादा चीज आ रहा है ना मुंह में, भाई सच बताऊं डोमिनोज के पिज्जा में ना मुझे इतना सारा चीज देखने की आदत नहीं है, चीज के नाम पे यार बहुत चिंदी चोरी करते हैं वो, आई नो यू कैन रिलेट। भाई देखो मैं तो चीज का बहुत बड़ा फैन हूं, तो इसलिए मुझे तो ये पिज्जा अच्छा लगा, अगर आपको चीज थोड़ा सा भी पसंद है ना यू शुड ट्राई, नॉर्मल चीज वाला स्वाद नहीं आ रहा इसमें से, यू विल टेस्ट अ गुड ब्लेंड ऑफ डिफरेंट चीज। डोमिनोज के बाद अब बारी है KFC की। हाँ भाई KFC में भी कुछ नया आया है, भाई नया तो आया है बट नए में ना वेजिटेरियन आया है, चेक दिस आउट। यार पता है क्या डोमिनोज में भी चीज डोमिनेटर पिज्जा आया है वो अवेलेबल नहीं था, एंड KFC में लोडेड चिकन रोल आया है। यार वो एक दो दिन था दिल्ली के आउटलेट्स पे, अब जब मैंने उनसे बात करी दे आर सेइंग कि वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, आई मीन KFC व्हाट आर यू डूइंग। और भाई फॉर द फर्स्ट टाइम KFC में मैंने देखी है डेजर्ट्स, वो डेजर्ट्स की हालत थोड़ी सी खराब थी तो इसलिए मैंने अभी फ्रीजर में रख दी है, बट फॉर द टाइमिंग जब तक उसकी हालत थोड़ी ठीक हो रही है आई विल एंजॉय माय वेज पैटी, बढ़िया सी लग रही है भाई, क्रिस्प एकदम। ओ बेटा नाउ यू आर सेट, सही बात बताऊं यार कुछ नया नहीं है इसके अंदर, दिस इज सेम ओल्ड कटलेट, बट पता नहीं क्यों मजा सा आ रहा है खाने में। ओ बेटे 150 रुपए की 2 है, शिट अब नहीं आ रहा मजा मुझे खाने में कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो अब भाई टाइम है मेरी फेवरेट चीज का, दी डेजर्ट्स। यार KFC ने ना दो नए डेजर्ट्स रिलीज किए हैं, वन इज द कॉफी, क्या था भाई मैं ही भूल जाता हूँ, ओके वन इज द कॉफी मूस केक एंड चोको मड पाए। सुनने में तो बढ़िया लग रहे हैं, सुनने में क्या अभी जब मैं ऑर्डर कर रहा था ना जोमैटो पे क्या फोटो डाली हुई थी उन्होंने इन दोनों डेजर्ट्स की, भाई आपको ला के दिखाता हूँ। गाइस दिस इज चोको मड पाए, पूरी पूरी वाइब आ रही है चोको लावा केक की, थोड़ी थोड़ी वाइब तो चलो आ रही है।
गाइस चेक दिस आउट। पहली बात, अगर आपको डार्क चॉकलेट पसंद है तो ये आपको बहुत बढ़िया लगने वाली है। भाई मेरे टेस्ट बर्ड्स को क्या हो गया है, मुझे इसके अंदर से कॉफी का फ्लेवर आ रहा है। आई एम नॉट इवन किडिंग। हाँ यार सच में आ रहा है। दिस इज कॉफी मूस केक। चेक दिस आउट। आज की अगर मुझे वीडियो समअप करनी हो एंड मुझे आप लोगों को बताना हो कि भाई शो स्टॉपर क्या था पूरे दिन में, तो I'll say, जो मैंने पिज्जा हट में रोल्स खाए हैं ना आज, इंडी रोल्स, ओहो भाई उसमें आया मजा। एंड ऑफ कोर्स चीज मेरा फेवरेट है, तो फोर चीज पिज्जा मुझे अच्छा लगा। बट जो पिज्जा हट का जो पिज्जा मैंने खाया यार, वो एक नॉर्मल पिज्जा लग रहा था। ऐसा लग रहा था नॉर्मल चिकन पिज्जा मुझे दे दिया है। Although उसमें से वो मलाई चिकन वाली वाइब थोड़ी थोड़ी आ रही थी, बट आई डोंट नो, उसमें मुझे कुछ नया नहीं लगा। और यार सच बताऊं, मज़े आए मुझे, चिल वीडियो थी, बहुत खाया पूरे दिन दबा के। एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा देख के, नई नई चीज़ें आज खाई हैं। एंड आप लोग भी ट्राई करें एंड हमें बताएं आपको कैसा लगा जो जो नए रिलीजेज हैं इन ब्रांड्स के। अब यू गाइस नो व्हाट टू डू एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Take care. Happy eating.